So friends, we are at the cheese making factory La Gruyère. It is located in the Gruyère town in Switzerland. It is a world famous cheese, and we are just observing the making of the cheese from the first process till the end process. The final cheese comes out after 5 months of fermentation, and the fondue which we eat, that is made from the Gruyère cheese. Although in India we do not use the Gruyère cheese for making fondue, but world over the Gruyère cheese only is used to make the fondue. Thank you. जो मिल्क को कॉर्डर किया ना, वो ये बैरल में फिल कर देंगे, फिर उसको एकदम टाइट प्रेस कर देंगे और जो एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। गाइस फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए सेलर में रख देंगे। गाइस जो चीज़ मेकिंग हमने देखा, उसको चीज़ को इधर फर्मेंटेशन के लिए रख दे देते। नॉर्मली 5-6 महीने के लिए मिनिमम फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे मॉइस्चर टेम्परेचर सब कंट्रोल करके यहीं से असली चीज़ का जो हमको फ्लेवर और ये मॉइस्चर और टेक्सचर मिलता है, वो ऐसे स्टोरेज करके फर्मेंटेशन रखते हैं, उससे ही मिलता है। और जितना चीज़ पुराना उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो चीज़ जैसे ओल्ड होता है, उसका और मैच्योर होता है।